हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम कुछ छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं अपने, मतलब जैसे विंटर का समय आ गया है ना, तो स्किन डल डल हो जाता है, इसीलिए हम कुछ घरेलू चीज़ के लिए कुछ किचन का अपने सामान से अपना चेहरे को ब्राइट बनाएंगे। दिखाएं आपको, देखिए क्या क्या है। ये नॉर्मली हम रोटी खाते हैं वो वाला गेहूं का आटा है, एक नींबू है और ये गुलाब जल है, ये वाला, मतलब ये गुलाब जल है सॉरी, ये वाला देखिए। और उस कोई सा भी मॉइस्चराइजर, हमको ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे चेहरे पे मतलब सूट भी करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, इसको लगाते हैं। तैयार हो गया, अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको यूज करेंगे अपने फेस पे। उसके बाद हल्का सा इसको हल्के हल्के हाथों से इस पे मतलब अपने स्किन पे मसाज करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा जो बेबी हेयर होते हैं ना रिमूव हो जाएंगे। इसको यूज करने से ना आपका चेहरा एकदम ब्राइट, मतलब जैसे ब्राइट का चेहरा होता है ना वैसे हो जाएगा। मतलब कुछ दिन ही यूज कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। महंगा महंगा जैसे हम लोग सैलून जाएंगे, महंगा महंगा फेशियल कराएंगे, उससे अच्छा है कि घर पे अपना किचन से ही कुछ सामान लीजिए, अपने चेहरे को चमकाइए। चलिए इसको हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर उसका मसाज कर। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद अपना फेस दिखाते हैं हम आपको। एकदम मतलब बहुत ज़्यादा चमक आ जाता है ना, कमाल की चीज़। मतलब आपको दिखाते हैं, आप लोग को तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये देखिए है ना कमाल की चीज़। स्किन कितना ब्राइट हो गया, चमक आ गया ना एकदम से। हमेशा तो आदमी पार्लर अफोर्ड नहीं कर सकता है, पार्लर बार बार अफोर्ड नहीं जा सकता है, इसलिए छोटू सा उपाय आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका रिजल्ट ना बहुत अच्छा है, हम खुद ही यूज करते हैं इसको, तो हमको तो बहुत पसंद है। आप भी कीजिएगा तो आपको पसंद आ जाएगा, मतलब लगाइएगा एक दो बार तो फिर आपको पता चलेगा। वैसे भी किसी के कहने से कुछ थोड़े होता है। देखिए इतना अच्छा दिख रहा है ना, एकदम से चमक आ गया। मॉइस्चराइजर कर लेते हैं, हमको ये वाला ज्यादा पसंद है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये ऑल स्किन भी है और गर्ल्स बॉय कोई भी लगा सकता है इसको, मॉइस्चराइजर भी और ये आटा का लेप भी। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, है ना। देखिए कैसी लग रही हूँ। चलिए बाय।